10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। केवल ये चैप्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर केवल इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके कोर्स में है, बल्कि ये चैप्टर इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि अब पूरी लाइफ आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर वर्क करना पड़ेगा। कोई बंदा सीए है या नहीं, अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे पेमेंट्स करता है, जिन पर उसे टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा। सर, ये टीडीएस है क्या? जैसा नाम वैसा काम। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दो चीजें आएंगी आपके सामने, पहला होगा टीडीएस और दूसरा होगा टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये तरीके हैं गवर्नमेंट अपने टैक्स कलेक्ट करने का। गवर्नमेंट अपने टैक्स कलेक्ट करती है टीडीएस के थ्रू, टीसीएस के थ्रू, एडवांस टैक्स के थ्रू, कई सारे तरीके, मोड्स ऑफ रिकवरीज हैं। उसमें से एक तरीका है टीडीएस एंड टीसीएस। मैंने कहा आपको अपनी लाइफ में कई सारे पेमेंट्स करने पड़ते हैं। अब चाहे आपने सैलरी का पेमेंट किया हो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट किया हो, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट किया हो, डिविडेंड का पेमेंट किया हो, लॉटरी का पेमेंट किया हो, हॉर्स रेसेस का पेमेंट किया हो, इंश्योरेंस कमीशन का पेमेंट किया हो, लॉटरी कमीशन का पेमेंट किया हो, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट किया हो, रेंट का पेमेंट किया हो। अरे सर, इतने सारे? हाँ जी, कई सारे पेमेंट्स आप करते हैं, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं, कई सारे पेमेंट्स करते हैं। और उन पेमेंट्स पर जब आप पेमेंट करेंगे, तो उस पेमेंट को करते समय आपको कुछ अमाउंट अपने पास रोकना होगा। और वो आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में उस बंदे के नाम से ट्रांसफर करना होगा। सर ऐसा क्यों? मैं उस बंदे को, सामने वाले को पूरा पेमेंट कर दूं, वो बंदा अपना गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देगा, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? प्रॉब्लम है टैक्स इवेजन का, टैक्स की चोरी रोकने का। गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं, हम मानते हैं आप लोग बहुत ईमानदार हो, टैक्स पेयर्स ईमानदार होते हैं, दे आर ऑनेस्ट वन, मानते हैं, लेकिन हम आपको कोई मौका भी नहीं देना चाहते टैक्स की चोरी का। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो ये पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द पेमेंट और क्रेडिटिंग एनी अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द पेई, ही हैज टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स। आप कोई भी बुक एडजस्टमेंट कर लो, कोई भी एंट्री कर लो, अब आप बच नहीं सकते, आपको टैक्स पेमेंट अपने हाथ से करना पड़ेगा। दूसरे की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी, दूसरे के टैक्स की अमाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक। सर ऐसे कैसे? ऐसे इस तरह से कि मिस्टर एक्स है, ये एम्प्लॉयर है, मिस्टर वाई है,
ये एम्प्लॉई है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को सैलरी देते हैं 5 लाख पर एनम की। अब आप जो सीधा सीधा सोचते हो कि ये बंदा अपनी इनकम शो करेगा सैलरी 5 लाख की और इस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा 2,50,000 बेसिक हटा करके 2,50,000 का 10%, 25,000 प्लस एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन 750, टोटल टैक्स बन करके आ गया 25,750। आप कहोगे सर कि टोटल टैक्स इतना आ गया इन द असेसमेंट ईयर, एसएससी मींस मिस्टर वाई विल पे ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट अकाउंट, वेयर इज द इश्यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? गवर्नमेंट ने कहा अल्टीमेटली ये पैसा तो जाना है ना, एग्री करते हो? हाँ करते हैं। क्यों ना हम इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दें, पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन कर दें टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स। आखिर ये उस 5 लाख में से 25,000 गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल असेसमेंट ईयर में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि बेटा मिस्टर एक्स यू आर एन एम्प्लॉयर एंड यू आर अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ द अमाउंट ऑफ सैलरी टू मिस्टर वाई एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेयर, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेयर दैट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू मिस्टर वाई और एनी एम्प्लॉई TDS is to be deducted. आपको TDS चार्ज करना है। कैसे सर? ऐसे 5 लाख रुपए सालाना सैलरी है, 5 लाख डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो हर महीने की सैलरी आती है 41,667 की। हर महीने की सैलरी आएगी 41,667 की, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि इस TDS को, इस टोटल टैक्स को हर एक महीने का, हर एक महीने की सैलरी से डिडक्ट कर दिया जाए। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं इतना, बोलो तो आपके पास आ जाएगा 39,520। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को इन हैंड 39,520 का पेमेंट करेगा और ये पेमेंट रोक लेगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में खुद जमा करेगा, खुद डिपॉजिट करेगा। अब हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने आखिरकार 12 महीनों में हील चार्ज और हील डिडक्ट इन टोटालिटी द अमाउंट ऑफ टैक्स 25,750। तो सर एम्प्लॉई का झंझट एम्प्लॉयर लेगा, क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। हम केवल यहाँ सैलरी की बात नहीं कर रहे, दे आर सो मेनी अदर अमाउंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट और क्रेडिटिंग द सम इन एनी अदर्स अकाउंट, वो बाद की बात है। अभी हम सैलरी की बात करते हैं कि सैलरी का पेमेंट देते समय एम्प्लॉयर हर महीने 2,147 का डिडक्शन कर देगा, दैट्स इट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब कहोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अब इसको तो रिटर्न भरने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका रिटर्न तो ऐसे ही ख़त्म। अरे ना बाबा ना, मैंने ये थोड़ी बोला कि ही'ल बी एस्केप्ड फ्रॉम हिज अदर लाइबिलिटीज, ही'ल फिल अप हिज ओन रिटर्न ऑफ इनकम, अपनी ड्यू डेट पर ये रिटर्न दाखिल करेगा। और जो हम लोगों ने सेक्शन 139 के प्रोविजंस को पढ़ते समय देखा था, एम्प्लॉयर भी बल्क फाइलिंग ऑफ रिटर्न करता है देखा था, वो बाद का मैटर है। ये अपनी रिटर्न दाखिल करेगा और इससे एक सर्टिफिकेट ले लेगा, गवर्नमेंट को दिखाएगा, देख मैंने टोटल सैलरी कमाई 5 लाख, उस पर टैक्स बना 25,750। दोबारा लेगा क्या?
गवर्नमेंट कही नहीं, क्योंकि तूने तो ऑलरेडी दे दिया है। इसने कहा हाँ मैंने 25,750 मैंने तो नहीं दिया, मेरे एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी पेमेंट कर लिया है, मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है 25,750 जिसको पेमेंट कर दिया मेरे एम्प्लॉयर ने, और ये रहा उसका TDS सर्टिफिकेट, और ये रहा उसका TDS सर्टिफिकेट। एम्प्लॉई गवर्नमेंट के सामने ROI दाखिल करते समय, रिटर्न ऑफ इनकम दाखिल करते समय टैक्स लायबिलिटी दिखाएगा और माइनस कर देगा TDS विच हैज़ बीन ऑलरेडी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर इटसेल्फ, और उसके बाद नेट अमाउंट आ जाएगा उसका जीरो, दैट्स इट। ये एक प्रोसीजर है, दिस इज द वे। ये एक आसान सा तरीका था आपको ये समझाने का व्हाट इज TDS। TDS में पेयर अमाउंट पे करते समय टैक्स रोक लेता है और उसको जमा कर देता है गवर्नमेंट के अकाउंट में, और इसीलिए इसका नाम कभी कभी हम लोग देते हैं विद होल्डिंग टैक्स। कभी कभी TDS को हम एक और नाम देते हैं, मैंने क्या कहा, रोक कर रख लेना, इसीलिए इसको नाम देते हैं विद होल्डिंग टैक्स। और विद होल्डिंग टैक्स ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट में रखेगा और जब तक चाहे उसका अपना मिसयूज करेगा ना, उसके लिए भी प्रोविजंस हैं। कोई भी बंदा जो TDS चार्ज करता है, जो TDS डिडक्ट करता है, उसको उस अमाउंट को गवर्नमेंट के अकाउंट में एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के दौरान जमा करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि यहां तक का मैटर क्लियर, चल सकते सर? ये तो समझ में आया सर, एक बात नहीं समझ में आई, कितने ऐसे सेक्शंस हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे बाबू। देखो अगर आप CA IPCC में हैं या CMA इंटर में हैं या CS एग्जीक्यूटिव में हैं, तो आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती दैट यू आर द मास्टर इन TDS। डोंट ट्राई टू गेट द मास्टरी इन दीज चैप्टर्स एट द लेवल ऑफ CA IPCC, CMA इंटर और CS एग्जीक्यूटिव लेवल। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द मास्टरी। आपको एक लेमेन लेवल की जानकारी तो होनी ही चाहिए। सर आपने एक बात बताई TDS, TDS का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और दूसरा बताया आपने TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर, हाँ गलती हो गई, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्या? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एक है TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सर TDS तो आपने बता दिया कि पेयर इज रिस्पॉन्सिबल, तो अब आप क्या ये बताना चाहते हैं कि पेई इज रिस्पॉन्सिबल? पेई इज रिस्पॉन्सिबल। कभी कभी गवर्नमेंट कहती है, सेलर से कह देती है कि आप सामान बेचोगे, आप सामान बेचोगे, आप सामने वाले से पैसा ले रहे हो, आप सामने वाले से अपना पूरा दाम लो प्लस टैक्स का भी अमाउंट कलेक्ट कर लो। कौन जाने वो उस अमाउंट का, कौन जाने वो उस सामान को कहाँ ले जा करके सेल आउट करे, सब्सिक्वेंट सेल करे, बाद में क्या उस सामान का यूज़ करे, उस सामान को पीछा करना या उस सामान को चेज करना या उस सामान का सब्सिक्वेंट यूज़, नोबडी नोज। जैसे लिकर, जैसे फॉरेस्ट, जो जंगल की लकड़ियां होती हैं, या लिकर का केस होता है, उन केसेस में हम लोग TCS का प्रोविजन बनाते हैं। तो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं केवल TDS की। पेयर रिस्पॉन्सिबल है, पेयर रिस्पॉन्सिबल है TDS के लिए। जब पेमेंट करेगा टैक्स काट करके रख लेगा, और TCS में सेलर सामने वाले से टैक्स ले लेगा, जिससे वो पैसा मांगेगा टैक्स भी कलेक्ट कर लेगा, दैट्स इट। इसमें जो हम लोग को सबसे पहले देखना है दैट इज योर सेक्शन 192। सर सेक्शन 192 किससे बिलोंग करता है? हम लोग को कई सेक्शंस सीरीज में देखने हैं, सेक्शन 192, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194I, 194G, कई सारे सेक्शंस देखने हैं।
194 डी भी है सर, क्या करेंगे इन सेक्शंस का, सी भी है सर, बात ABCD आप पढ़ा रहे हो, नहीं हम लोग इन सेक्शंस को सीक्वेंस में देखेंगे, क्या कहते हैं ये सेक्शंस, किन किन मैटर्स को कवर करते हैं। जी देखिए हम सम्मान से बात करेंगे लॉटरी की, सॉरी कमीशन ऑन लॉटरी। जी देखिए हम सम्मान के साथ बात करते हैं कमीशन ऑन लॉटरी। हम 192 की बात करेंगे सैलरी की, हम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करते हैं, हम 194 में डिविडेंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 194 में डिविडेंड की बात करते हैं, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करते हैं। ये सब वो अमाउंट है जो हम किसी न किसी को पेमेंट करते हैं, हम लॉटरी के इनाम को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, हम रेस हॉर्सेस की बात करते हैं, हम रेंट की बात कर रहे हैं, और 194D में LIC प्रीमियम पर कमीशन की बात करते हैं। 194C, C का मतलब कैट ना, आज के बाद याद रखना C का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली हमको इस लेवल पर नॉर्मली इतने सेक्शंस तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आने चाहिए। क्या है ये सेक्शंस, स्टार्ट करते हैं 1 by 1। जब हम बात करें सैलरी की, सर आपने जो अभी एग्जांपल दिया वो काफ़ी नहीं था क्या, ना वो तो केवल एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी थी कि व्हाट इज़ TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है क्या। अब अगर हम बात करें सेक्शन 192 की, तो TDS ऑन सैलरी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स, आप लोग कहेंगे एम्प्लॉयर, आप लोग कहेंगे एम्प्लॉयर, तो डिडक्टर कौन होगा, एम्प्लॉयर, और डिडक्टी किसका है, डिडक्टी ये पेयर है और ये पे एम्प्लॉय। क्या सर सारे एम्प्लॉय कवर होते हैं क्या, सारे एम्प्लॉयज कवर होते हैं क्या, डिडक्टर कौन है, एम्प्लॉयर, क्योंकि वो पेयर है, पेयर और ये पेई, पेई मतलब पैसा लेने वाला। अब जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करेगा, इफ सैलरी इज एक्सीड द अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ये सैलरी पे डिडक्शन तब होगा एम्प्लॉय के जब एम्प्लॉयर सैलरी का पेमेंट करता है एम्प्लॉय को और वो सैलरी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अधिक हो जाए। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स सर 2.5 लाख, 2,50,000, 2,50,000, अगर सैलरी एम्प्लॉय की 2,50,000 से ऊपर जाती है तो एम्प्लॉयर की बाउंडेशन है, अगर एम्प्लॉय की सैलरी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स के अधिक होती है तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस सैलरी के अमाउंट पर टोटल टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करे। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ढंग से सुनेंगे क्योंकि एक अच्छी चीज़ अभी आपके डाउट में आने वाली है।
जितना भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी का पेमेंट करेगा वो अच्छी तरह जानता है कि टोटल कितना वो पेमेंट करेगा एम्प्लॉई को पूरे साल। अच्छा सर जी, अच्छा सर जी, ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी कि आज अप्रैल का महीना है और मार्च तक की सैलरी टोटल साल भर की 2.5 लाख से अधिक होगी। तो यानी आज अप्रैल महीने में हमको ये पता चल जाएगा कि हम एम्प्लॉई को टोटल सैलरी कितनी देंगे। हाँ जी, उसकी टोटल एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किसकी? एम्प्लॉई की। किसकी? एम्प्लॉई की। एम्प्लॉई की टोटल एस्टिमेटेड सैलरी जो पूरे साल भर जानी है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को, वो एम्प्लॉयर कैलकुलेट करेगा। सोचो ना, टोटल एस्टिमेटेड इनकम पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से सारी डिटेल्स लेगा। एक तो खुद अपनी डिटेल्स जानता ही है कि वो एम्प्लॉई को कितना पेमेंट करता है, साथ ही एम्प्लॉई से भी डिटेल लेगा कि तेरी अदर इनकम है क्या। अच्छा ये बता, तेरा हाउस प्रॉपर्टी से किराया भी आता है क्या? अच्छा तू ये छोड़, ये भी बता कि क्या तेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन भी है जिससे तू कुछ कमाता है। अच्छा तू ये बता, तू डिडक्शन के लिए कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करता है सेक्शन 80 का बेनिफिट लेने के लिए, वो भी तो डिटेल दे। तो एम्प्लॉय सारी डिटेल्स देता है एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर सारी चीज़ों का एक खाका, एक फॉर्मेट बनाता है। एम्प्लॉय की ये इनकम, एम्प्लॉय की ये इनकम, एम्प्लॉय की ये इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, पांचों इनकम प्लस क्लबिंग सब मिला करके एम्प्लॉयर कहता है अच्छा तेरी ये इनकम है, तूने मुझे टोटल इतनी डिटेल दी, बता डिडक्शन तेरे को कितनी मिलेगी। एम्प्लॉय डिटेल बताता है, मैंने यहाँ यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, और सब लिखित में मांगा जाता है। सारी चीज़ें किस पर मांगी जाती हैं? ऑन रिकॉर्ड रहती हैं, ये नहीं कि ओरली बोल दिया, नॉट एट ऑल, ऑन रिकॉर्ड मांगी जाती हैं रिटन में, और उसके बाद डिडक्शन माइनस कर दिया जाता है। जो ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, जो टैक्सेबल इनकम आती है ना, उस पे सेक्शन 89 की रिलीफ दे करके टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद सेक्शन 89 की रिलीफ दे दी जाती है। भाई जो डिडक्शन देने के बाद आया हाथ में एम्प्लॉयर के, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लो। और टैक्स किस रेट से कैलकुलेट करेंगे सर जी, ये तो मालूम ही नहीं। अरे इंडिविजुअल वाले स्लैब रेट कैलकुलेट लेकर के कैलकुलेशन करेंगे। मान लो एम्प्लॉय की टोटल सैलरी आई 6 लाख, तो 2.5 लाख तक जीरो कर दो, 2,50,000 तक। उसके ऊपर पर आप जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं उनको अप्लाई करके टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लो, उसमें से फिर माइनस कर दो सेक्शन 89 का। अगर कोई रिलीफ मिलता है एम्प्लॉय को, जो बचा वो टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी एम्प्लॉय की, डिवाइडेड बाय 12 कर लेना, पता चल जाएगा एम्प्लॉयर हर महीने कितनी टीडीएस सैलरी में से डिडक्ट करके रखेगा। सर अब समझ में आई बात? अब समझ में आई कि एम्प्लॉय की टोटल इनकम का कैलकुलेशन कर लो, डिडक्शन दे दो, टैक्स कैलकुलेट कर लो, रिलीफ दे दो, जो बचा वो साल भर का टैक्स है, डिवाइडेड बाय 12 कर लो नॉर्मली, अभी मैं आगे बताऊंगा एक क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय 12 कर लो जो पर मंथ का टैक्स आएगा। हर महीने की सैलरी देते समय वो पर मंथ का टैक्स रोक लेंगे, हर महीने की सैलरी देते समय वो पर मंथ का टैक्स रोक लेंगे। दिस इज द वे, यही एक तरीका है। और टीडीएस जानते हो सैलरी पर कब डिडक्ट होता है? एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर किस मेथड से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रखता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। एम्प्लॉयर किस मेथड को फॉलो करता है, एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, या कह सकते हो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, या तो एम्प्लॉयर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेगा या तो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेगा। दोनों सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कौन सा मेथड एम्प्लॉयर रखता है, टीडीएस चैप्टर का इससे कोई लेना देना नहीं। ये चीज़ दिमाग में सेट कर लो, एम्प्लॉयर जब भी पेमेंट करेगा, एट द टाइम ऑफ द एक्चुअल पेमेंट ऑफ सैलरी टू द एम्प्लॉय, एक्चुअल जब एक्चुअल में जाएगी सैलरी, तो उस समय विदहोल्ड करेंगे टैक्स। दिस इज द इम्पॉर्टेंट हेयर इन दिस केस ओनली सैलरी टॉपिक। जब हम सैलरी पर टीडीएस की बात करते हैं, केवल उसी समय ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है।
तो क्या सर जब बाकी आप जो दूसरे सेक्शंस बताएंगे तो उसमें एक्चुअल पेमेंट नहीं, उस समय एक्चुअल पेमेंट नहीं आएगा, केवल यही वो सेक्शन है जिसमें हम लोग एक्चुअल पेमेंट पर TDS चार्ज करते हैं, डिडक्ट करते हैं। कौन से रेट्स? सर वही आपने तो बताया ना, स्लैब रेट। हाँ अच्छा सर, एम्प्लॉय की सैलरी पर अगर टैक्स आता है जीरो, मान लो डिडक्शन देने के बाद टैक्स आया जीरो, तो कोई TDS नहीं कटेगा। अरे TDS तो तब ना कटता है जब हमारा टैक्स कैलकुलेट होकर आता है, अगर टैक्स नहीं तो TDS नहीं। तो क्या सर डिडक्शन के बाद देखा जाता है कितना टैक्स बना? हाँ जी, डिडक्शन के बाद देखा जाता है कितना टैक्स बना, उसमें से सेक्शन 89 का रिलीफ भी दे दिया जाता है, उसके बाद देखा जाता है टैक्स लायबिलिटी आई या नहीं, उसके बाद हम लोग डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स करते हैं हर महीने कितना TDS चार्ज होगा। सर मान लीजिए एम्प्लॉय ने आपको अप्रैल में बताया कि जून जुलाई अगस्त में वो लॉटरी खेलेगा, ओहो अच्छा उसने आपको जून जुलाई अगस्त के बारे में बताया, उसने कोई कैपिटल गेन अर्न करेगा, ओहो उसका जो फिक्स्ड अमाउंट है, चाहे वो किराए के मकान से उसको अर्निंग आती हो, चाहे सैलरी से आती हो, या नॉर्मल बिजनेस के इनकम आती हो, या अदर सोर्सेस का इंटरेस्ट वगैरह जो रेगुलर वे में आता है, एस्टीमेट करना है। एक्चुअल की बात मैं नहीं कर रहा, मैंने एक्चुअल की बात तो की ही नहीं, मैंने एस्टीमेटेड, तो एस्टीमेटेड माइट बी डिफर फ्रॉम एक्चुअल। हाँ एक्चुअल माइट बी डिफर फ्रॉम एस्टीमेटेड, यस। सर अगर मान लीजिए चार महीने बाद फिर से कैलकुलेशन किया जाए इनकम, और उस समय उस SSC की इनकम या एम्प्लॉय की इनकम थोड़ी चेंज हो जाए, प्लस हो जाए या माइनस, ठीक है ना, एडजस्ट करेंगे, सीखेंगे कैसे एडजस्ट करते हैं, सीखेंगे थोड़ी देर में कि एडजस्टमेंट कैसे होता है, आगे के टैक्स बढ़ते हैं या आगे के टैक्स घटते हैं, देखेंगे क्या प्रॉब्लम। अगर एक एम्प्लॉई, मैं नया पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर कोई एक एम्प्लॉई एक साथ दो एम्प्लॉयर के यहां काम करता है तो उसकी मर्जी है कि इस एम्प्लॉयर के यहां TDS न कटवाकर सारा TDS इस एम्प्लॉयर से कटवाए, बशर्ते इस एम्प्लॉयर को वो इस एम्प्लॉयर की सारी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे, और इस एम्प्लॉयर को फिर उन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय नहीं देना चाहता तो एटलीस्ट एम्प्लॉयर अपने अमाउंट पर तो TDS काटेगा ही काटेगा। हो सकता है एम्प्लॉय 6 महीना कहीं और वर्क कर रहा हो, अब वहां से रिजाइन करने के बाद दूसरे एम्प्लॉयर को उसने ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, नए एम्प्लॉयर को वो पिछली डिटेल्स देगा और नया एम्प्लॉयर उन सारी डिटेल्स को कंसीडर करते हुए टैक्स का कैलकुलेशन करेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, बट इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय इटसेल्फ, बट द एम्प्लॉयर विल बिकम बाउंडेड टू यूज और यूटिलाइज ऑल दोज इंफॉर्मेशन इफ एम्प्लॉय प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन बिफोर द एम्प्लॉयर, दैट्स इट। अब देखा जाए सर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, न्यूमेरिकल के बिना तो मन भी नहीं करता ना, समझ में नहीं आता कि किया वो समझ में आया या नहीं। एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। मिस्टर जॉन, आपके हाथ में असाइनमेंट है, क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे। मिस्टर जॉन एज्ड 67 ईयर्स, ओके सीनियर सिटीजन। मिस्टर जॉन 67 ईयर्स, ढंग से देखेंगे। वो काम करता है रिलायंस फ्रेश लिमिटेड में, एम्प्लॉय कहां पे है ये? रिलायंस फ्रेश लिमिटेड, ओके। अप्रैल 2014 टू मार्च 2015 तक की कुछ इंफॉर्मेशन है। टैक्सेबल सैलरी है 6 लाख,
वर्ड लिखा है टैक्सेबल, ठीक। अब आप बताएं टीडीएस कितना, द मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा जरा देखिए। टैक्सेबल सैलरी, टैक्स ऑन। अब सीनियर सिटीजन है भाई तो 3 लाख तक तो टैक्स कितना नील बोलो, पक्का ना? 2 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 20,000। सर ये तो बहुत आसान है, एजुकेशन सेस प्लस SHG एज एट द रेट ऑफ, अब यहां पर दिया है अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक की टोटल टैक्स लायबिलिटी अगर आएगी, अगर आई नहीं आएगी किसकी, एम्प्लॉयर की, आएगी तो एम्प्लॉय की, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, एम्प्लॉयर, तो डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स। TDS अब समझ में आ गया सर जी, अब तो आप हमसे ना कोई भी क्वेश्चन करवा लीजिए सर जी, इतना आसान हमने तो सोचा नहीं था, बिल्कुल आसान है, कहीं कोई टेंशन है ही नहीं, तुरंत नोट करें इसको। हो गया होगा, समझ में भी आ गया। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर ये डिटेल अक्टूबर 2014 से लेकर के, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्च 2015 तक का होता तो भी क्या यही सिस्टम होता? आप बच्चा पार्टी जरा ढंग से देखो कि अगर ये सैलरी 6 मंथ की है, लेकिन सरकार के लिए तो टोटल ये साल भर की सैलरी है। अब साल भर की सैलरी अगर 6 लाख है, टोटल टैक्स कैलकुलेट होकर के आया 41,200 अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस। ओके, टोटल टैक्स आया 41,200। मैं एम्प्लॉयर हूँ अक्टूबर से, तो मैं क्या
ऐसा एस्टिमेट कर सकता था कि मेरे यहाँ कोई इम्प्लॉई आएगा, हमारे यहाँ अक्टूबर से जॉब करेगा, अभी से उसका टीडीएस काटो? अरे मैंने कहा जब से हम एक्चुअल पेमेंट देंगे ना तब से टीडीएस काटेंगे। ठीक, इसका मतलब 6 महीने में ये पेमेंट गई है तो टीडीएस भी 6 महीने में जाएगा और आ जाएगा पर मंथ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। 6 महीनों में आपका टीडीएस मट जाएगा 41,200। नोट करें इसको, तुरंत नोट करें, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। डोंट ट्राई टू गेट द शॉर्टकट, ट्राई टू नोट ऑल द थिंग्स कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में लिखा है कि ऊपर वाली सारी इंफॉर्मेशन ओके कि अप्रैल से लेकर मार्च तक की डिटेल है, सैलरी उसकी इतनी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स दी हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखनी है। लिखा है लॉस फ्रॉम, उसने और भी इंफॉर्मेशन दी। मैंने क्वेश्चन में अभी थ्योरी पढ़ाते समय क्या बोला कि भाई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को अपनी सारी इंफॉर्मेशन देगा, एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सारी इंफॉर्मेशन देगा। अब वो देना चाहे तो देना, लेकिन अगर देता है तो एम्प्लॉयर को वो मजबूरी है सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करना, नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं, सैलरी के अमाउंट पर ही एम्प्लॉयर टीडीएस चार्ज करेगा, लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन देता है तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बन जाती है। जरा देखें, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, ओके, नेट लॉस फ्रॉम बिजनेस पीजीबीपी लॉस है 1,00,000 रुपए का, ओके। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक है, ₹3,20,000 का। अब आपको बताना है कि सेक्शन 192 में आप टीडीएस कैसे डिडक्ट करोगे। सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा मजेदार है, लेकिन इस क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले मैं आपको एक थ्योरी बताना चाहता हूं। जब भी एसएससी अपने एम्प्लॉयर को अपनी बाकी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है तो ये कानून है, क्या है ये कानून है, ये एक्ट कहता है कि आप केवल और केवल लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। मींस व्हाइल टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टीडीएस वी कैन कंसिडर, एन एम्प्लॉयर कैन कंसिडर ओनली द लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, नथिंग अदर देन दैट लॉस। सर प्रॉफिट होता तो हम प्रॉफिट को कंसिडर कर लेते, पीजीबीपी का प्रॉफिट होता तो, हाँ अदर सोर्सेज में प्रॉफिट होता तो कंसीडर कर लेते, हाँ लॉस प्रॉफिट होता अगर लेट आउट प्रॉपर्टी में तो कंसीडर कर लेते, हाँ लॉस है लेट आउट प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो कंसीडर कर सकते हैं क्या, हाँ लेकिन अगर लॉस है हाउस प्रॉपर्टी के अलावा किसी हेड में, चाहे वो पीजीबीपी हो
चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो अदर सोर्सेज हो, और चाहे वो सैलरी। इतनी मार खाओगे सैलरी में तो कभी लॉस हो ही नहीं सकता, सैलरी में तो कभी लॉस हो ही नहीं सकता, सैलरी का लॉस तो आएगा ही नहीं। पहली चीज़, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ सकता है और उसको हम कंसीडर करेंगे, पीजीबीपी का लॉस कंसीडर नहीं करेंगे, कैपिटल गेन का लॉस कंसीडर नहीं करेंगे, अदर सोर्सेज का लॉस कंसीडर नहीं करेंगे, केवल हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कंसीडर किया जाएगा, बाकी के इनकम 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 को कंसीडर करेंगे। देखें कैसे। सैलरी कितनी है? 6 लाख प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 लाख माइनस हो गया ना। लेट आउट, चलो इनर कॉलम में लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में अच्छा रहे, और ये दोनों मेरे लॉसेस हैं। क्या हैं? लॉसेस। अच्छा सर, अगर यहाँ 2.5 लाख का लॉस होता, 2,50,000, तो हम कितना यहाँ लेते? 2.5 लाख। सो सिंपल। इतनी मार खाओगे। अरे इंसानों, सेल्फ ऑक्यूपाइड में लॉस कभी 2 लाख से ज़्यादा कभी देखा है? पॉसिबल ही नहीं है। इसी साल से असेसमेंट ईयर 15-16 से लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड का मैक्सिमम 2 लाख हो सकता है। पहले 1,50,000 था, अब उसकी लिमिट बढ़ा करके 2 लाख की गई है। तो कभी भी याद रखना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी का लॉस 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस कभी भी 2 लाख से अधिक नहीं होगा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं यहाँ पर शायद तुम लोग को दे देता 3 लाख, और मैं कहता बेटा कैलकुलेट करो। मैक्सिमम बच्चे यहाँ 3 लाख लिख देते, हो जाता है आंसर का बंटाधार। तो ध्यान देना इस चीज़ पर कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस कभी भी 2 लाख से अधिक नहीं होगा। अच्छा सर जी, पीजीबीपी का नो नो नो, प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, हाँ जी कितना? अच्छा, टोटल इनकम कितनी आ गई? 5,20,000। तो क्या सर हम इस पर टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो कर देते हैं। ये मिस्टर जॉन है 67 इयर्स का, 3 लाख तक माफ है, और 3 लाख के ऊपर 2 लाख 5 लाख तक 10% के हिसाब से, और 20,000 पे 20% के हिसाब से कितना आ गया? 24,000। कितना आ गया? 24,000। सर इसमें एजुकेशन सेस भी तो आप जोड़ेंगे। बिल्कुल सही है, एजुकेशन सेस प्लस SHG 3%, 720। टोटल टैक्स टू बी डिडक्टेड 24,720। अच्छा, कितने महीने की सर्विसेज हैं? हमको दिख रहा है 12 मंथ्स ना, तो इसका मतलब हर महीने 2,060 पर मंथ का TDS चार्ज किया जाएगा। हर महीने का TDS 2,060 रुपीज़ का चार्ज किया जाएगा। नोट कर सकते हैं, 2 मिनट देते हैं, कर लें नोट। मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ सीखने को मिली, और वो चीज़ थी कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को TDS की कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाएगा जब भी सैलरी में एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा तो, लेकिन अदर देन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस वो कंसीडर नहीं करेगा।
क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। सर कितने क्वेश्चन कराएंगे? दैट्स इट, सैलरी में पांच से ज्यादा नहीं। मिस्टर एक्स एज्ड 55 ईयर्स। अच्छा, अभी सीनियर सिटीजन नहीं बने, यानी नॉर्मल स्लैब रेट्स चलेंगे। डिलीवर्स टैक्स ड्राइव्स टैक्सेबल सैलरी 3,05,000। उसकी टैक्सेबल सैलरी है 3,05,000। अच्छा, विच इंक्लूड्स नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, यानी इसमें मॉनिटरी कितना है और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स कितने हैं। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स का मतलब परक्विजिट्स होता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इसका मतलब ये होगा 2,06,45,000। अच्छा, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये कैसे आया अभी ना पूछना। द एम्प्लॉयर हैज चूजन टू पे द टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स। अब आगे की बात करते हैं, एडवाइस देना है आपको। दिस इज द क्वेश्चन। सर इसमें नया है क्या कुछ? बहुत अच्छी चीज है इसमें जो अब आप लोगों को देखनी है। आपको याद होगा मैंने जब आपको सैलरी चैप्टर पढ़ाया था उसमें एक सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 1010 CC, सेक्शन 1010 CC। इसमें एम्प्लॉयर का नॉन मॉनिटरी बेनिफिट पर खुद से टैक्स बियर करना सिखाया गया था, दिखाया गया था। सिखाया तो अब जाएगा, दिखाया गया था कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स देता है और बोलता है कि इस पर जो टैक्स आएगा तू क्यों चिंता करता है, मैं हूँ ना, मैं तेरा एम्प्लॉयर हूँ, मैं तुझे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स दे रहा हूँ और उस पर गवर्नमेंट तुझसे मॉनिटरी टैक्स ले लेगी, ऐसा तो बहुत अत्याचार हो जाएगा तेरे साथ, टैक्स का पेमेंट भी मैं ही करूँगा। और अगर एम्प्लॉयर ऐसा बोलता है तो याद रखना एम्प्लॉई के हाथ में ऐसा टैक्स पेमेंट एग्जेम्प्ट होता है और एम्प्लॉयर को कोई डिडक्शन नहीं मिलती पीजीबीपी हेड में। किस हेड में? पीजीबीपी हेड में। ओके सर जी, याद आ गया, आपने पुरानी यादें ताज़ा करवा दी। अब मैं हटाऊं, नई चीज़ आई ना यहाँ पर, भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट दिया भी गया है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में देखेंगे इसको। क्यों? क्या आएगा बताएं? टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स 3,05,000, टैक्स ऑन अबव अप टू रुपीज 2,50,000, रेस्ट रुपीज 55,000। टोटल प्लस 3% ऑफ एजुकेशन सेस एंड SHG। एक बात बताओ, एक नई चीज सीखते हैं फिर। क्या SSC की इनकम 5,00,000 के ऊपर है? नहीं। क्या ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है? हाँ। तो हम लोगों ने एक और सेक्शन देखा है, सेक्शन 87A। तो उस 3,000 का, उस 2,000 का छूट नहीं मिलेगा क्या? हाँ जी सर जी,
आप ना ये भूल रहे थे कि 2000 का छूट मिलता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स और 2000 विच एवर इज लेस। किस केस में? अगर किसी नॉन अगर किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल की टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक नहीं है और उसकी टैक्स लायबिलिटी जितनी भी आए, 2000 के डिडक्शन आप ले सकते हैं। अगर उसकी यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी 1500 आती तो टैक्स लायबिलिटी हो जाती 0, लेकिन यहाँ पर टोटल टैक्स बना 5500, 2000 का तो टैक्स बेनिफिट लेना बनता है ना। हाँ सर जी, तो बचा कितना? 3500 प्लस एजुकेशन सेस एंड SHG एज एट द रेट ऑफ 3%। 3500 का 3% होता है 105, तो सर टोटल टैक्स कितना आ गया? 3605। TDS पर मंथ कितना आ जाएगा? TDS पर मंथ कितना आ जाएगा? अच्छा, 3605 डिवाइडेड बाई 12 करो सर, ये नियर अबाउट आएगा 300 रुपीज़। और मैं बोलता हूँ आपका ये जवाब गलत है। जानते हैं क्यों? इसके कारण। किसके कारण? इस अमाउंट के कारण आपका ये जवाब गलत हो गया, क्योंकि परक्विजिट्स पर टैक्स पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसने ली है? एम्प्लॉयर ने। तो एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा अपनी जेब से? अरे ये तो वो अमाउंट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की जेब में से निकालेगा। अरे एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय की जेब से निकाल देगा तो फिर बचा गया एम्प्लॉय के लिए। हमने तो अभी अभी बताया था, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट पर जितना भी टैक्स बनेगा वो मैं अपनी जेब से दूंगा, अगर एम्प्लॉयर उसको अपनी जेब से पेमेंट करने को तैयार है तो एम्प्लॉय के लिए वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है और एम्प्लॉयर को PGBP में उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता। ओके सर जी, तो आप यही बताना चाहते थे इसी कारण ये गलत है? हाँ, इसी कारण ये गलत है। तो अब सही कैसे होगा वो कौन बताएगा? वो भी मैं ही आपको बताऊंगा कि ये सही कैसे होगा। अब एम्प्लॉयर विल मीट टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स कितना? कितना? ये जो टोटल आया ना 3605 रुपए का टैक्स, ये कितनी इनकम पर आया है ये तुम लोग को मालूम है? सर जी, 3,05,000 रुपए पर टैक्स लायबिलिटी आती है 3,605, और इस 3,05,000 का मतलब इसमें इतना तो इसमें कितना तो मल्टीप्लाइड बाई 60,000, प्रोपोर्शनेट। ओहो, प्रोपोर्शनेट, बताओ ना कितना आ जाएगा? 3,605 डिवाइडेड बाई 3,05,000 इंटू 6,000, ये आ जाएगा 709 रुपीज़। ये 709 रुपये एम्प्लॉयर अपनी जेब से बर्दाश्त करेगा तो TDS अमाउंट कितनी आ जाएगी? TDS अमाउंट इतनी आ जाएगी। अच्छा सर, हर 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 महीने कितनी TDS कटेगी? हर महीने 241 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा एम्प्लॉई से। एम्प्लॉय को जब भी अब हम सैलरी देंगे हर महीने इतना TDS चार्ज कर लेंगे। दैट्स इट, बस इतना सा था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था। एम्प्लॉयर खुद मीट आउट करेगा, एम्प्लॉयर विल मीट द टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, वो बोला है उसने शुरू में। तो एम्प्लॉय के ऊपर टोटल टैक्स लायबिलिटी इतनी है जिसमें से एम्प्लॉयर अपनी जेब से इतना देगा, तो एम्प्लॉय की जेब से इतना निकालना है, हर महीने इतना निकालना है। दैट्स इट, 241 रुपीज पर मंथ, दैट्स इट। सर अब जाकर कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरा,
पक्की बात है, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं एक फॉर्मेट आपको बताने जा रहा हूं। सर अभी कुछ बचा है क्या? हाँ, लास्ट पॉइंट है सैलरी का, जब भी आप टीडीएस चार्ज करेंगे तब। अब तक हम लोग स्टेप वाइज चीजें देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 में सीनियर सिटीजन का देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने 6 मंथली देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने 87A का बेनिफिट देखा था, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने ये चीज़ें देखी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स पर। लास्ट क्वेश्चन है सैलरी के टीडीएस पर, जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके असाइनमेंट में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस तरह का क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में नहीं आएगा, क्लियर। लेकिन हाँ, कोशिश अपनी रहती है कि काम पूरा किया जाए। जरा देखें, जब हम टीडीएस की बात करते हैं, एम्प्लॉई का जो अमाउंट का कैलकुलेशन करता है एम्प्लॉयर, वो दो तरीकों से करता है, सैलरी का अमाउंट रखेगा, ढंग से सुनना, सैलरी का अमाउंट रखेगा, हाउस प्रॉपर्टी का रखेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऐड हो गया, अदर इनकम्स को रखेगा, प्रॉफिट्स को, लॉसेस को नहीं। टोटल अमाउंट आ गया, टैक्स कैलकुलेट कर लिया, माइनस कर देगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89, करेगा या नहीं करेगा? करेगा, जो बचा उस पर टैक्स देगा। अब मैं अगर एक नई चीज बोलूं, और वो नई चीज है सैलरी का अमाउंट रखा, हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट या लॉस रखा, अदर इनकम्स रख रहा है, चाहे वो पीजीबीपी या अदर सोर्सेस का है, किसी ने भी वो अमाउंट हमको तो दिया होगा ना, किसी ने तो वो अमाउंट हमको दिया होगा, और वो पेयर होगा, और वो पेयर ने जब वो अमाउंट दिया होगा तो टीडीएस हो सकता है काटा हो। मेरा टीडीएस, एम्प्लॉई का टीडीएस ऑलरेडी किसी ने काट लिया है। हम कह रहे हैं तुम्हारा इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, ले बेटा इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक जोड़ दिया, लेकिन बैंक ने तो ऑलरेडी टीडीएस काट रखा है। ठीक, टोटल टैक्स में से इंटरेस्ट पर जो टीडीएस कटा है, या अदर इनकम्स पर जो टीडीएस कटा है, या पीजीबीपी की किसी इनकम पर टीडीएस कटा है, माइनस कर दो ना नीचे से। अगर ऊपर आप इनकम जोड़ रहे हैं कोई, और उस पर टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड है, किसी ने डिडक्ट कर रखी है, तो नीचे उसको लेस कर दो, दैट्स इट। दूसरा, किनारे करो अदर्स, किनारे करो अदर्स, सैलरी लो, हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, अदर किनारे, टोटल टैक्स इतना, टीडीएस अब घटाने की जरूरत नहीं है,
टीडीएस अब घटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर अदर इनकम्स या पीजीबीपी की इनकम ली ही नहीं, तो टीडीएस किस चीज का घटेगा, आ जाएगा। अब दोनों तरीकों से आप देखेंगे टीडीएस एम्प्लॉयर का कहां ज्यादा बन रहा है, उसको आप फॉलो करेंगे। चलो देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, यहां भी ले लें इनकम फ्रॉम सैलरी, ये है आपका ऑप्शन नंबर वन, ये है आपका ऑप्शन नंबर टू, प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या माइनस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बोलो ना, प्लस एनी अदर हेड ऑफ इनकम, और इस चीज को हम लोग यहां गायब कर देते हैं, टोटल इनकम, टोटल इनकम, इस टोटल इनकम पर टैक्स ऑन अबव, इस टोटल इनकम पर टैक्स ऑन अबव माइनस, अगर कोई अदर हेड्स ऑफ इनकम है तो टीडीएस लेस हुआ होगा और यहां पर निल। बोलो भाई, हाँ या ना? सर एक बात बताइए, अगर डिडक्शंस होती तो टोटल इनकम में से माइनस करते? हाँ, डिडक्शंस तो बिल्कुल माइनस करोगे, ये चीज़ तो मैंने पहले ही बोल दी है कि डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो टोटल आएगी इनकम, उस पर टैक्स निकाल लेना, टीडीएस आ जाएगा, इसमें टीडीएस लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ या ना? ये आ जाएगा TDS to be deducted, ये आ जाएगा TDS to be deducted, बस दोनों में से जो ज्यादा होगा उसी को ही TDS काटना है एम्प्लॉयर को। ये नहीं कि सर इस पर जाएं या इस पर जाएं, दैट इज नॉट एन ऑप्शन विच इज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉयर, दैट इज द कंपल्शन ऑफ द एम्प्लॉयर टू फॉलो दैट वन ऑप्शन इन विच TDS कम्स हायर, द रिजल्टेंट फिगर इज हायर। नोट हो गया होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है, मिस्टर राजकुमार इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी इन अहमदाबाद, तो कौन है एम्प्लॉई? मिस्टर राजकुमार, ओके, अहमदाबाद में काम करते हैं, वो सैलरी पाते हैं 8 लाख पर एनम, अच्छी बात है। ड्यूरिंग ईयर ही मेड द पेमेंट ऑफ 1 लाख, उसको डिडक्शन मिलना है 80C का 1 लाख, चलो दिया है ना, हाँ जी। कॉम्प्यूट द इनकम ऑफ TDS पर मंथ फ्रॉम द सैलरी इफ मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग अदर इनकम, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, $60,000 का लॉस है, PGBP, लॉस, प्रोफेशनल फीस, एक्सपेंसेस, TDS ऑलरेडी डिडक्ट किया हुआ है ऑन प्रोफेशन, चलो सॉल्यूशन।
अब मैंने इस तरह के केसेस में मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर वन पे आते हैं। सैलरी 8 लाख प्लस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 60,000। मना किया है प्लस पीजीबीपी 1 लाख माइनस 80,000 इनकम। बोलो। अच्छा, अब इसके बाद डिडक्शन, टोटल इनकम में से कितने की डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C? टैक्सेबल इनकम 6,80,000। टैक्स ऑन अब बताएं, अच्छा बताएं, 6,60,000। एज नहीं मालूम तो सीनियर सिटीजन नहीं मानेंगे, नॉर्मल ही लेकर के चलेंगे। 250 तक नील, बाकी जो बचा 250 उस पर आ जाएगा 10% यानी 25,000। ठीक है, अब जो बचा 160 उस पर आ जाएगा 20% यानी 32,000, 57,000। अब टैक्स है 57,000 तो बट ऑब्वियस है 87A का तो बेनिफिट नहीं मिलना। अब क्या करें, TDS लेस कर दें। एक बात बताओ, 57,000 में 3% ऐड करने के बाद TDS घटाएंगे या पहले TDS लेस कर देंगे? TDS का जो अमाउंट होता है ना, वो अल्टीमेट टोटल टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, टोटल टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। ध्यान इस चीज का देना, ये नहीं कि पहले TDS लेस कर दो। हाँ बोलो, एजुकेशन सेस प्लस SHG 3%। माइनस TDS required to be deducted, पर मंथ निकाल ही लोगे, वो बात की बात है, हम पर मंथ के पीछे नहीं भाग रहे। हम ऑप्शन टू को भी देखेंगे। किसको देखेंगे? ऑप्शन टू को। यहां पर टोटल कितना आया, 48,710। यहां पर कितना आएगा जरा देखते हैं। हमने यहां पीजीबीपी को नहीं लेना। दूसरा ऑप्शन क्या है,
कि अदर इनकम्स को छोड़ दो, जब अदर इनकम्स को छोड़ दोगे तो उस पर जो टीडीएस है उसको भी आपको कंसीडर नहीं करना। बस सर बस इतना सा काम, हाँ जी बस इतना सा काम है, प्लस कर दें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में है 60,000, ये तो लेंगे नहीं, टोटल आ जाएगा 7,40,000। अच्छा सर जी डिडक्शन लेस करेंगे? हाँ डिडक्शन माइनस होगा, कितना 1,00,000, बचा कितना 6,40। सर हमको तो आ गया, क्या आ गया सर, इसमें ना ज़्यादा टैक्स बनता है, इसमें ना कम टैक्स बनेगा। अरे कैलकुलेट कर लेते हैं, इतनी हड़बड़ी किस चीज़ की है, हो सकता है उल्टा हो जाए। सर उल्टा कैसे होगा, ज़्यादा इनकम पर ज़्यादा टैक्स, कम इनकम पर कम टैक्स, तो एम्प्लॉयर को तो इसी में जाना चाहिए। मैं कहता हूँ इतनी जल्दबाजी क्या है बच्चों, थोड़ा इस पर भी आ जाते हैं, टैक्स ऑन अबव बोलो कितना आएगा। 6,40,000 में से सर 250 पहला हटा दीजिए, बाकी जो बचा 250 पर उस पर 10% टैक्स लगा दीजिए। सर जी आपका पूरा 5,00,000 तो गया, बचा 1,40,000 का 20%, हाँ सर 28,000, तो इस पर आ जाएगा 63, कितना, अच्छा 53 न कि 63, प्लस कर देंगे एजुकेशन सेस प्लस SHG कितने के रेट से, अच्छा जी तो आ जाएगा 1,590। टोटल टैक्स कितना बना, और TDS तो कुछ है ही नहीं। ओके सर जी आप भी ना कमाल करते हो, आंसर तो ये आ गया। हम लोग तो सोच रहे थे ये आएगा कि जब इनकम ज़्यादा होती है तो ज़्यादा टैक्स बनता है, कम इनकम होती है तो कम टैक्स बनता है, यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ उल्टा नहीं हुआ, TDS लेस हो चुका था ज़्यादा, इसीलिए आंसर रिवर्स में चला गया, दैट्स इट। तो अब आपका आंसर आएगा 54,590 रुपीज, एंड दैट इज योर आंसर, एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक TDS ऑन सैलरी। सर एक बात बताते जाइए ना, अच्छा इसका मतलब मैं जा रहा हूं, एक बात बताते जाइए, क्या हर एक टॉपिक जो आपने नाम लिया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिविडेंड, लॉटरी, कमीशन ऑन लॉटरी, हॉर्स रेस, रेंट, क्या सारे टॉपिक्स ऐसे ही हैं? ना मुन्ना, ये केवल सैलरी ही ऐसे था, बाकी इतनी ही देर और लगेगी, 1 से 1.5 घंटा और लगेगा, आपका TDS चैप्टर कवर हो जाएगा हमारे नेक्स्ट क्लास में विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज होने वाला टॉपिक। थैंक यू बच्चों।